इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में खड़े हैं और आज दूसरा लॉकडाउन है और इसका समझे पहला दिन है जो कल रात 7 बजे से लगा है और ये सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है वो लॉकडाउन जो है ये जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो है इसको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जहां पर तकरीबन 90 के करीब जो बेड्स हैं जिसमें 20 ICU बेड्स हैं और 70 जो नॉर्मल बेड्स जो है वो कोविड के लिए रखे गए हैं और कुछ पेशेंट्स यहां पर जो है वो पॉजिटिव जो कोविड पॉजिटिव है उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में या पिछले 48 घंटों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में 3 जो सीनियर डॉक्टर जो डॉक्टर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें 2 फिजिशियन हैं और 1 जो है वो सर्जन है। जो किश्तवाड़ हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो प्राइम फोकस है, क्योंकि किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है वो वाइड हॉस्पिटल है जो ही एमरजेंसी जो है वो कैटर करता है, क्योंकि जो बाहर का जो हेल्थ सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का वो जो है वो पूरा चरमराया हुआ है और वहाँ पर किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है और जितने भी रूरल एरियाज के पेशेंट्स जो है वो अल्टीमेटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है वो किश्तवाड़ का ही रुख करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ हॉस्पिटल ही है जहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है इनको और यहाँ से जो है फिर टर्शरी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाता है। 3 डॉक्टर्स में जिनमें 2 फिजिशियन हैं और जिनमें एक लेडी डॉक्टर भी है वो भी पॉजिटिव निकली है। तो हॉस्पिटल जो है इस वक्त हब बना हुआ है यहाँ पर वायरस का, तो क्योंकि जितने भी पेशेंट्स जो कोविड-19 के हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि हॉस्पिटल तभी रुख करें जब आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर जब आपको कोई पेशेंट एमरजेंसी हो उसके साथ जो है 1 या 2 लोग ही आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट कोई हॉस्पिटल आ रहा उसके साथ काफी तादाद में उनके रिश्तेदार जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हॉस्पिटल की तरफ ना आए, क्योंकि यहां पर 3 डॉक्टर्स ऑलरेडी पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं और यहां पर जो हॉस्पिटल है वो एक इंफेक्शन का हब है जहां से आपको इंफेक्शन हो सकता है और उसके लिए काफी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां का पैरामेडिकल स्टाफ यहां के पहले जो डॉक्टर्स है वो भी काफी पॉजिटिव निकल चुके हैं और अब भी जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में रश है और डॉक्टर्स बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे। कल हमने देखा जो SSP किश्तवाड़ है वो भी यहाँ पर आए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जो है वो मुलाकात भी की और उन्होंने उनको जो है वो काफ़ी सपोर्ट की जो है वो जो के लिए भी जो है वो अश्योरेंस दी है और कहा है कि जितनी भी गाड़ियाँ इस वक्त अगर देखा जाए जो ऑक्सीजन है उसको लेकर काफ़ी सियासत चल रही है और इस वक्त मैं बता दूँ कि किश्तवाड़ में काफ़ी ऑक्सीजन इस वक्त मौजूद है। डोडा हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी जो हॉस्पिटल के ज़राए उन्होंने हमें बताया कि किश्तवाड़ से जो है वो डोडा के हॉस्पिटल को जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए गए। तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होंगे तो डिस्ट्रिक्ट SSP जो है शफकत साहब भट्ट, उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कहा कि वो अपनी गाड़ियां जो है वो देंगे जो एम्प्टी सिलेंडर्स हैं उनको उधमपुर ले जाने के लिए और वहां से फिल करने के लिए। उसके अलावा 2 टीमें बनाई गई जिसमें 2 PSI और 6 लोग जो पुलिस के होंगे, यानी कि 18 लोग, जिनमें जो 16 लोग जो है जिसमें 4 PSI और 12 लोग जो है उनको 2 टीमों में डिवाइड किया गया है, ताकि जब भी ऑक्सीजन या किसी भी इमरजेंसी को कैटर करने के लिए रिफिलिंग के लिए कहीं जाना हो या किसी इमरजेंसी में पेशेंट को शिफ्ट करना हो, क्योंकि हमारा हाईवे भी जो है वो अबनॉर्मल बिहेवियर करता है और काफ़ी यहाँ पर जो है कभी कभार जाम भी लग जाता है, तो उसमें जो है पुलिस की नफरी होगी, उस पेशेंट को जो है प्रायोरिटी पे शिफ्ट किया जाएगा और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी जगह जिस तरह से दिल्ली में बाहर हालात है, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, काफ़ी बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं वहां पर इस वक्त चिताएं जल रही है, शमशान जो है भरे पड़े हैं, वहां पर हमने खबरें देखी है कि लूट जो है वो मचाई गई है और काफ़ी जगह जो है वो लूटे भी गए ऑक्सीजन के ट्रक। आज 1 मई है और आज जो है वो 18 से 44 साल के बीच जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन के लिए कहा गया था, लेकिन वैक्सीनेशन ना होने की वजह से जो है उस ड्राइव को जो है यहाँ पर किश्तवाड़ में रोका गया। अलबत्ता जो 45 साल से जहाँ एबो एज हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर है या जिनको पहले वैक्सीन लग चुकी है उनको सेकेंड डोज वैक्सीन लेना हो उनके लिए जो है वो यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। आज जो है वो अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि 1.5 लाख डोजेज जो है वो वैक्सीन के जम्मू कश्मीर में लैंड किए हैं, जिसमें 75,000 श्रीनगर और 75,000 जो है वो जम्मू को दिए गए हैं और 2 डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त
18 से जो 44 साल के बीच लोग हैं उनको जो है वो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन अथॉरिटीज़ ये बता रहे हैं कि जब तक आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो, जब तक आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हो, आप जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई वैक्सीन नहीं करेगा। पहले आपको अगर वैक्सीनेशन लगानी है, आपको अपने आप को एनरोल करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर की, वहाँ पर जाकर आपको जो है वो करना है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार बिल्कुल सुनसान है, काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने अलो की है, जिनमें नरेगा के काम है, अंडर कंस्ट्रक्शन काम है, जहां पर लेबर जो है एंगेज होते हैं, क्योंकि इस वक्त लेबर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो दुखी है, क्योंकि उसको जो है वो पैसा जो है उसको कहीं से आ नहीं रहा है। और हमने देखा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है कि जो नरेगा का जो बजट है इस महीने जो है वो ज़्यादा कंजप्शन हुई है उसकी, क्योंकि ज़्यादा जॉब डेज जो है वो जनरेट हुए हैं। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो SOPs है उनको फॉलो करें, जो बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से उनको जो है वो फॉलो किया जाए, घरों से बाहर जो है वो अननेसेसरी ना निकले, जमघटा ना करें, मास्क पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, बार बार जो है वो हाथ धो लें। और यहाँ तक कि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो जो घरों में लोग हैं वो भी थोड़ा सा जो है वो झुंड में ना बैठे, अगर एक कमरा है एक एक कोने में एक बैठे दूसरे में, वहाँ पर भी जो है घर में थोड़ी सी डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखी जाए। और जो पेशेंट्स इस वक्त हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स इस वक्त घर में इलाज हो रहा है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर उनका 86 से नीचे ऑक्सीजन सेचुरेशन आता है तभी वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करें, और उससे पहले जो है वो हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करें, ताकि उनको बताया जाए कि उस पेशेंट को लाया जाएगा इधर कि नहीं, क्योंकि उस जो सर्विलेंस टीम है पहले वो विजिट करेगी पेशेंट को वहाँ पर, और अगर ज़रूरत होगी तो उस पेशेंट को हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल भी जो है इस वक्त बेशक रेडी है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में जिन पेशेंट्स को आने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो पेशेंट्स आने शुरू हो गए और कल को खुदा ना खास्ता जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल के ICU बेड की, उस वक्त किसी दूसरे पेशेंट को वहाँ से हटाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर से लोगों को अपील कर रहा हूँ कि वो हॉस्पिटल उसी सूरत में आए अगर उनको जो है वो कोई एमरजेंसी हो, और अगर कोई एमरजेंसी पेशेंट है तो उसके साथ ज़्यादा लोग राशि ना करें, एक या दो ही लोग जो है वो अटेंडेंट घर से आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी 3 डॉक्टर जिनमें 2 फिजिशियन और 1 सर्जन है वो पॉजिटिव निकले हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।